नमस्कार, दिस इज अरुणेश आर्य फ्रॉम करियर पाथ स्टडी। वेलकम बैक टू करियर पाथ स्टडी। स्वागत है आपका इस चैनल में। इंटरनेशनल प्राइजेस, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की जो श्रृंखला हमने शुरू की थी, इस सीरीज के अंतर्गत नेक्स्ट जो है वो है पुलिट्जर पुरस्कार। पुलिट्जर पुरस्कार वर्ल्ड में जर्नलिज्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, हाईएस्ट अवार्ड फॉर जर्नलिज्म। तो इस को आगे हम करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है करना, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फिगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जनरल स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक हैं उनमें फिगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि किन फैक्ट्स को छोड़ना है, किन को पढ़ना है, किन को ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, एक अपील करता हूँ मैं आपसे, अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार अपना हमें दीजिए, लाइक शेयर और मैक्सिमम सब्सक्राइब करके आप हमें अपना प्यार दे सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा, आपके फ्रेंड्स को बेनिफिट मिलेगा, आपके रिलेटिव्स को बेनिफिट मिलेगा। जितना आप अपना प्यार हमें देंगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे और मैक्सिमम हार्डवर्क आपके लिए करेंगे। तो चलिए, जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पुलिट्जर पुरस्कार। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमें ये देखना है कि पुलिट्जर पुरस्कार देता कौन है, पुलिट्जर पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, पुलिट्जर पुरस्कार किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है, इसमें प्राइज मनी कितनी है, 2020 में 2021 में किन भारतीयों को मिल चुका है। सिर्फ इतना ही आपको करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसमें फिगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर जो आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया तो आप उन फिगर्स में ही उलझ कर रह जाएंगे। इस वजह से ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, क्या याद करना है और क्या छोड़ना है, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुलिट्जर पुरस्कार। अवार्ड पुलिट्जर पुरस्कार दिया जाता है एक्सेलेंस इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म के लिए, लिटरेरी अचीवमेंट्स के लिए और म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए। पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? तो पुलिट्जर पुरस्कार दिया जाता है। किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा पुलिट्जर पुरस्कार। और 1917 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और इस पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जोसेफ पुलिट्जर के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अमेरिकन हंगेरियन बॉर्न जो है जोसेफ पुलिट्जर, उसके द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, न्यूयॉर्क में दिया जाता है ये पुरस्कार। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार में धनराशि जो है वो 10,000 अमेरिकी डॉलर थी, जिसे 2017 में बढ़ाकर जो है 15,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया था। तो अब पुलिट्जर पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि पुरस्कार के तौर पर दी जाती है? तो इसमें प्राइज मनी है प्रेजेंट में 15,000 US डॉलर इसमें दिए जाते हैं। 2020 में ये पुरस्कार जिन भारतीयों को मिला था उनमें थे डार यासीन, मुख्तार खान और चानी आनंद, इन तीनों को ये पुरस्कार दिए गए थे 2020 में। लेकिन हमारे लिए फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है फिगर 2021 का, क्योंकि 2021 के फिगर्स भी अब आ चुके हैं। तो देख लीजिए इसमें 2021 के, ये सभी कैटेगरी में ये पुलिट्जर पुरस्कार 2021 के अनाउंस हो चुके हैं। इन सभी कैटेगरीज़ में बहुत फिगर्स हैं, करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा फिगर्स हैं। आपको जो करना है वो सिर्फ करना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, मेघा राजागोपालन और नाइल बेदी, या जिसे बोल सकते हैं नील बेदी, इन दो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को 2021 के लिए पुलिट्जर पुरस्कार दिया गया। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया?
तो आपको ध्यान रखना होगा इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मेघा राजगोपालन, और इसके अलावा लोकल रिपोर्टिंग के लिए नील बेदी को दिया गया ये पुरस्कार। तो बजफील्ड न्यूज़ से संबंधित है मेघा राजगोपालन, और टाम्पा बे टाइम्स से संबंधित है नील बेदी। तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग और लोकल रिपोर्टिंग के लिए दो अमेरिका के भारतीय मूल के नागरिकों को पुरस्कार दिया गया, मेघा राजगोपालन, बजफीड न्यूज़ और लोकल रिपोर्टिंग के लिए नील बेदी, टाम्पा बे टाइम्स के लिए में ये वर्क करते हैं और उसके लिए उसको पुरस्कार दिया गया है। तो सिर्फ आपको दो ही ये याद रखने हैं, इसके अलावा और कुछ भी पुलित्जर पुरस्कार में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1917 में शुरू हुआ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी US के द्वारा दिया जाता है, न्यूयॉर्क में जोसेफ पुलित्जर के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। फिलहाल 15,000 अमेरिकी डॉलर इसमें पुरस्कार की धनराशि है, और ये दोनों फिगर आपको इसमें ध्यान रखना है, और इसके अलावा कुछ भी इसमें फिगर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैगजीन्स में, करंट अफेयर्स के अदर चैनल्स में आपको पूरी लिस्ट मिलेगी, रटवाएंगे आपको इसमें इसमें इस क्षेत्र में दिया गया, कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो आपने कर लिया, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। नेक्स्ट एबल पुरस्कार और इसके अलावा अदर जो इंटरनेशनल प्राइजेस की जो सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।